पहला पुरस्कार वाले टीम का 70,000 प्लस एक समातावाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। तो हो ना हो आज सभी कोई भी टीम हारना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छे प्रयास रहा है दोनों टीमों की। आज यह मेरे नाम की मैंने प्रयास किया है अच्छे से बंद हुआ कि मैच में करें तो बढ़त रहेगा। अच्छा नाम है अपने पसंद करेंगे दोनों टीमों को। अब ये विदेश का मेले में जुड़े फिलहाल एक अच्छे प्रयास कहा था कि दोनों टीमें एक बार तभी दिखाई है नारायणपुर थोड़ा की समय लिए है दोनों टीमें ने। और जब तक मैच में स्कोर ना हो गाना मुश्किल होगा। राजेश इसे पति हुआ है कि मैच में अगर स्कोर ना हो तो कार्यक्रम शुरू कर जाएंगे कि यहाँ से कदम पीछे मोड़ना टीमें पसंद नहीं करेगी क्योंकि एक जीत ज्यादा बेच भी मिलेगा। जो टीमें जीत जाएगी 20,000 राशि बढ़ोतरी दी जाएगी लेकिन 70,000 रुपया और जो टीम हार जाती है किसी से बात कहीं ना कहीं 50,000 पड़ेगा। और जिससे बात है तमाम दर्शकों में याद करा दो आप लोग इस मेले इस मैच को अगर मिस कर रहे हैं तो कहाँ देखना है और स्पोर्टिंग के चलते देख पाएंगे और स्पोर्टिंग भाई इस मंच में दासी ने यानी कि मैच को अपने कैमरे में कैद किया जा रहा है और आप लोग यूट्यूब के माध्यम से कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल लड़का का ताजा अपडेट। बिल्कुल सही बात आजकल यूट्यूब के जरिए भी अच्छे से खेल का प्रदर्शन हाईलाइट देखने को मिलता है। यहाँ मौका हो सकता है बड़ी तरह से एक क्रॉस करने की कोशिश देख लिया पर क्लब क्रॉस और बॉल श्री मार्क से बाहर और एक गोल किक यहाँ पर मौका मिलता है उसे। बिल्कुल अच्छे प्रयास रहा है दोनों ही टीमें ने। चलिए एक बड़ी खुशी की बात है आप सबको खिलाने में कि चलिए बड़ा भी मैच कहां रहेगा पिंटू मातो के सौजन्य से जो पहला उसको लाएंगे उस खिलाड़ी को कहेंगे 501 रुपए दिया जाएगा। तो पिंटू मातो का कहना है जो प्रथम इसको लाएंगे जो भी किसी भी दल उस खिलाड़ी से उनको 501 रुपए उनके सौजन्य से द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल खूब भलो भाव है सराहनीय कदम पिंटू मातो का भी पिंटू साई यास बोर्टन लेकिन सम्मानित एकटा बड़ बालक चलिए आज पिंटू महतो के सिद्धांत सबको 500 रुपया के नगद राशि आपको इनामी के तौर पर देने का ऐलान किया है। जहां बच्चे खेल कर आए अच्छे गोल करे बिल्कुल अच्छे प्रयास रहा है दोनों टीमें। हालांकि यहाँ पे गति राज का अंतिम मैच भी खेला जा रहा है गति यहाँ से टीमें पीछे मोड़ना पसंद नहीं करी इस वक्त। फिलहाल एक तरफ देखा जाए रविराज अमर गौर तो निश्चित बात है कि सजेश हो रहे और एक तरफ देखा जाए मुकेश लक्ष्मण मिस्टर प्रेम सॉरी अजय गोप मिस्टर विजय दिलीप सचिन अनिल दोस्तों एक मौका पा सकता है जरूर एक मिनट खरीद करके बाद आगे जाने की कोशिश और संतुलन निभा पे खिलाड़ी कोई फॉर्म नहीं दिया गया पे इस बार नारायणपुर आगे बढ़कर मैच का समय 9 लेकिन नीचे अगर मैच बल ऐसे पति थोड़ा जब तक मैच में स्कोर ना हो भाई कहना मुश्किल होगा। अब एक टीम पर दो के बीच पुरस्कार भी दी जाएगी और कहीं के आज ट्रॉफी दी जाएगी और कहीं के पॉइंट भी दी जाएगा सभी टीमों को आज पुरस्कार के तहत 8 टीमें यानी 64 दलों में 8 टीमों को मैंने पुरस्कार दिया जाएगा। तब तक पुरस्कार के तौर पर दी गई 70,000 जिनके पुरस्कार के तौर पर दी गई 50 जिनके पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी 35 पुरस्कार 20 25 800 और
नीचे से बात है, आज सर्जरी स्पोर्ट के व्यक्ति और पुरस्कार का दावा जा रहा है। लगातार लोग 3 दिनों से पुकार रहे हैं भाई संजय बीस को आगे क्या है, और ये सवाल है उनके शरीर से आज व्यक्ति और पुरस्कार दिया जाएगा। आज ट्रॉफी दी जाएगी, बड़े बड़े ट्रॉफी दी जाएगी, फर्स्ट द्वितीय तृतीय और मेन ऑफ द मैच मेन ऑफ द सीरीज और 20 क्रिकेट गोल के बटन अवार्ड दिया जाएगा। कि पीछे मोड़ना यहाँ तो टीमें पसंद नहीं करेगी, हमें चाहेंगे दोनों ही टीम के निकट आप शुरू से क्या जितने भी टीमें पुरस्कार का जानकार बने हैं उन सभी टीमों को, यानी कि एक नहीं बल्कि आपको आना है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 टीमों को आना पड़ेगा, के लिए आना पड़ेगा। बिल्कुल आज मिसाल पेश किया इस ग्राउंड पर, ऐसे प्रतीत हुआ है जब तक मैच में स्कोर को करना मुश्किल है, बट यहाँ से कोई भी पीछे मुड़ना पसंद नहीं करेगी, इसीलिए दोनों टीम ने एक अच्छे प्रयास किए हैं। बिल्कुल और मौना हो यहाँ पर एक मौका हो सकता है, लेकिन बॉल टप्पा से अगला चौल है और जब कंट्रोल पास लेके जाना होता पर है मुश्किल, तो यहाँ पर मौका है कि मिला हुआ है तालमेल बनाने में कैची मिसाल पेश करे और यहाँ पर मौका पड़ेगा उम्मीद, लेकिन यहाँ पर 14 नंबर खिलाड़ी डिफेंडर जोन एक अच्छी क्लियरेंस के साथ आज अपने टीम को और क्या गजब का मैच खेला है। की बात करें भाई आज चौथी चरण ऐसे प्रतीत हुआ था कि कहने के इस मैच को बचाओ था भाई की पिछड़ना से समय पे मैच में दबाव महसूस गई है, क्योंकि आज बात करें निश्चित बात है बाबू ब्रिज के तमाम खिलाड़ी भाई की आज रविराज मोबू की एक स्कोर आई थी, मधु की एक स्कोर आई थी, एक बड़े बनाने सफल रहे हैं, लेकिन कतई यहाँ से टीमें हारना पसंद नहीं करेगी, दोनों ही टीमें काफी शुभ कामना बनाएंगे इसके लिए मैच खेला है। इस बार संजय सोहेल के तमाम सफल संजय सोहेल की बात करें मेरे दोस्त और चित्त को चलते हैं हमेशा फिलहाल बात के दर्शन सभी खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं एक दो टीम से दिग्गज मैच खिला रहा है राजेश संकेत देता हुआ यानी कि जो कुशाल क्षेत्र के अच्छे मैच रेफरी के तौर पर जाना जाते हैं और आज निष्कर्ष और विधानसभा क्षेत्र के भी एक अच्छे सर्टिफाइड मैच रेफरी के तौर पर जाने जाते हैं सदीप। बिल्कुल यहाँ से कहने के मौका भी बना है बैंक की बात करेंगे इस बात है फर्स्ट ऑफ द मैच रहा है यानी कि 15 मिनट का मैच रहा है, उसके बाद 15 मिनट 30 मिनट का समय दिया गया है जो दोनों टीमों को कभी यहाँ को पीछे मोड़ा दोनों टीम पसंद नहीं करेगी, दर्शक का भी आगे रहेगा आप लकीरें पार गए हैं इस बात आप लकीरें पार नहीं होंगे, मैच मुकाबला करा भी मुकाबला बड़ा भी इसीलिए है जो टीम जीतेगी इनके 70,000 ट्रॉफी दी जाएगी और जो टीम यहाँ से हार का सामना करना पड़ेगा उसकी वो कभी 50,000 रुपया ट्रॉफी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से कतई टीमें हारना इस पर पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल मुकाबला खड़ा भी है और इतना बड़ा भी है कि आज 70,000 की नगद राशि के बीच मिलन चल रहा है और 50,000 की नगद राशि यानी कि कुल मिलाकर कहा जाता है 1,20,000 की नगद राशि के तौर पर आज पूरी तरह से तुरंत चल रहा है संदेश, क्योंकि जो भी जीतेंगे 70,000 प्लस ट्रॉफी समापन ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा और जो विजेता होंगे वो 50,000 की नगद राशि आज है। बात करें नारायणपुर एफसी की भाई टीमें ने आज लगातार ड्राइविंग के माध्यम से जीत को अर्जित की है यानी फाइनल तक सफर किए थे नारायणपुर एफसी, और मैं इसी उसके अपडेट की बात करें यानी कि ठीक है बाबू ब्रदर्स की टीम की बात करें अपने टीमों के लिए अभी तक 3 स्कोर जड़ाए थे, मधु के 21 स्कोर आई थी फर्स्ट राउंड में, रविराज मुर्मू के 21 स्कोर आई थी और सेकंड राउंड में कहीं कहीं मंजल मुर्मू को और एक टीम में इसे रहा था पांच को भाजपा से एक थारों का मैच किया था, इस बार का पसंद नारायणपुर आगे समय लिया अच्छी गेंद तक बार आगे जाने कोशिश लेकिन कोई खेल नहीं अच्छी गेंद की क्रॉस जाए गई लेकिन कोई खेल नहीं नदी आगे समय से बाहर जगह मुझे बहुत चला है चलिए चर्चा मंडल का आगमन हो चुका है साथ साथ हम लोग के बीच भाग को जिला परिषद कला सिवाना जी का भी निर्माण हो चुका है और इस मंच के सुपने पर लोक बसा होता कमा कमी व्यापार दिल की राय से आते के देख सोने रहते हैं और बड़ी खुशी की बात है देश से आए दोस्त आए मैसा लोग बीच रहे कुमार सिंह जी का आगमन हुआ है। बिल्कुल फैसले प्रवृत्ति का मौके से हमारे बीच साथी दिगर पहुंच रहा है तो थोड़ा रास्ते को क्लियर करके रखेंगे तो चलिए हमारे बीच हमारे
पहुंच चुके हैं, इसलिए बताना चाहेंगे हमारे सहयोग ग्रासमेंट करना चाहेंगे, इसलिए इस प्रकार अतिथियों का हमारे आना जाना संगम बना रहेगा। तो चलिए आज के ग्रांड फिनाले की अगर बात करें नारायणपुर एफ सी बनाम बाबरी ब्रदर्स, देखो अच्छे प्रयास में रहा जो टीम ने, अच्छे प्रयास में क्या है, अच्छा तो मैच करके किसी नाम निकलना मुश्किल होगा, कौन सा टीम है अगले दौर पर निर्भय करेगी, पहले यहाँ से पीछे होना पसंद नहीं क्योंकि दोनों टीमें पहले वह जानते हैं क्योंकि 23 मिनट का मैच चल रहा है, अच्छी किक डाली गई यहाँ पे, ये तो नहीं बच पाए खिलाड़ी, अच्छे प्रयास रहा है दोनों टीमों ने, चार दशक का मैच खेला है दोनों टीम, फिलहाल इस बार अच्छी क्रिकेट खेल आगे बढ़े कोशिश, जैसे प्रोटीन नारायणपुर इस बार मौका बनेगा, बाकी समय लिया है थोड़ा सा समय लेने की कोशिश, यहाँ पे जल जमाव काफी हो चुका है राजेश, जैसे पता चल रहा है मैच सड़कता होती है कभी कभी बारिश अगर नहीं होती और भी रोचक अनुभव दिख पाते थे, इस साल के लिए आईपीएल पुरस्कार दिया गया है, और कई दिवस की बात करें 2022-17 में यहाँ पे कितना प्राइज दी जाएगी, कोई प्राइज 1,10,000 लेकिन से बात है सेकंड प्लेस 80,000 इस तरह पुरस्कार में पहुंचे दी जाएगी, बिल्कुल हाल क्रम में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है यहाँ पर संदेश, आने वाले सीजन 2022 में कुछ ना कुछ इस पर इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा, आज 70,000 का होना हुआ अगले वाले 120, 130, 110, चलिए लाखों की बारिश और होना यहाँ पर एक मौका हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और यहाँ पर सपोर्ट नहीं, ग्राउंड गीला बहुरा है, एक अच्छे मौका यहाँ पर मिला था लेकिन पूरा छोट से जो छोट तक यहाँ पर संदीप और अच्छे खेल का यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है दोनों अच्छे पर, और यहाँ पर अपने आंस को पूरी तरह से और यहाँ पर चलिए देखते हैं एक अच्छा मुकाबला 2000 की नारायणपुर एफ सी बनाम बाबरी ब्रदर्स के बीच, और आप संदीप एक बड़ा मुकाबला और एक बड़ा मुकाबला ग्रैंड फिनाले है और एक जीत ली यहाँ पर 411 रुपैस जो की 411 वही सासी बैंक है जो इंटेलिजेंट हो जो हाई स्किल प्लेयर्स हो और अच्छी डिसिप्लिन प्लेयर हो खेल के बाद उसी को टीम मैनेजमेंट हायर करता है, और आज रुपेश जैसे खिलाड़ी को आज बाबरी ब्रदर्स के बीच नॉमिनेट किया गया है और एक अच्छे खेल के प्रदर्शन अपना एक अच्छी गोल देखने को मिला है संदीप, बिल्कुल यहाँ से 15 मिनट का मैच के समाप्ति के पश्चात एक इसको चली है जो टीमों की बात करें बाबरी ब्रदर्स की टीम, और क्या यहाँ से नारायणपुर की देखिए देखिए जमरा जो गुप्त लेवल में आ जाता आप प्लीज दूसरा समय